बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 जनरल मैथ चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। इसके अंदर भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही हमारे पास क्वेश्चन है, जमी सिलसिला ही है हमारे पास। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि जमी सिलसिला 5 to -1 इसी तरीके से ये चल रहा है सिलसिला, तो उसकी कौन सी वैल्यू जो है -118 होगी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही रहता है सीक्वेंस फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, an = a + n-1 × d। अब इसी वैल्यू में से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, तो हमने n फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू -118 है, तो n हमने फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यूज देखें तो -118 हमारे पास वो टर्म है जिसकी हमने वैल्यू बतानी है कि कौन से नंबर पे ये वैल्यू आएगी ही इसी सीक्वेंस में रहते हुए। और a जो है ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 5 है, और d जो है ये हमारे पास आता है जो आपके पास सीक्वेंस हो जिसमें हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये d की वैल्यू आ जाती है कि किस सीक्वेंस के मुताबिक हमारी सीरीज चल रही है। तो ये आ जाएगा 2 - 5 = -3। तो अब हम ये वैल्यू जो है सिंपल इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास इसी जमे सिलसिले के अंदर रहते हुए हम मालूम कर लेंगे कि -118 जो है ये कौन से नंबर पे वैल्यू जो है इसी सीक्वेंस के अंदर रहते हुए आएगी। तो ये फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करने लगा हूँ जी, -118 = 5 + n-1 × -3। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, -3 -123 ये बन जाएगा जी -1 × -3। -123 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगी वैल्यू, 41 आ जाएगा 41। -1 इधर आके प्लस हो जाएगा = n, तो ये आ जाएगा 42। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, 42nd वैल्यू है इसी सिलसिले के अंदर रहते हुए, ये हमारे पास -118 42nd वैल्यू जो है वो आंसर के तौर पे आएगी। शुक्रिया।